और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। सत्ता संभालने से पहले ही मोदी ने साफ कर दिया था कि अब की बार मुसलमानों का भरोसा जीतने की कोशिश होगी और सत्ता संभालने के फौरन बाद फैसलों की शुरुआत भी हो गई। सरकार ने तय किया है कि अगले 5 सालों में 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जिसमें आधी लड़कियां होंगी। इतना ही नहीं, सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण का प्लान भी तैयार कर लिया है। 5 करोड़ हमने छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के माध्यम से इन 5 सालों में हमने शिक्षा के क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण का संकल्प लिया है और मदरसे जो बड़ी संख्या में देश भर में हैं उनको जो है वो फॉर्मल एजुकेशन या मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ करके उनके बच्चों को भी समाज के निर्माण का हिस्सेदार भागीदार बनाया जा सके। ऑलरेडी आज भारत में जितने भी मदरसे हैं उसमें 95% जो मदरसे हैं उसमें मॉडर्न एजुकेशन बाकायदा रिकग्नाइज तरीके से इम्पार्ट की जा रही है बच्चों के अंदर और उनको मजहबी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन ऑलरेडी दी जा रही है। सरकार की योजना देश भर के मदरसों को मुख्य धारा में जोड़ने की है, मदरसों के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की है ताकि वह हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर की भी पढ़ाई करा सके। सरकार की सोच भले ही सही हो लेकिन आजम खान जैसे लोगों के पास सवाल खत्म नहीं होते। हमारे यहाँ मदरसों में या हमारे अकलियतों के स्कूलों में नाथूराम गोडसे की फितरत नहीं पैदा की जाती, प्रज्ञा ठाकुर जैसी शख्सियत हमारे निस्वा मदरसों में पैदा नहीं होती। पहले इस जहनियत को रोकें कि आजम खान को यह भी बता दीजिए कि किसी मदरसे से या किसी स्कूल से या किसी विद्यालय से आतंकवादी भी नहीं निकलते हैं, ये सोच बनाती है, लेकिन मदरसे कुछ कुछ ऐसे हैं जो आतंकवादी पैदा करते रहे हैं। आजम खान को जरा कश्मीर भेज दीजिए, घूम के आए के देख लेंगे। अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ने की सरकार ने जोरदार तैयारी की है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली मुसलमान लड़कियों को ब्रिज कोर्स कराकर शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की योजना है। आर्थिक तौर पर कमजोर अल्पसंख्यकों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग का भी इंतजाम किया जाएगा, लिहाजा मुसलमानों का बड़ा तबका खुश है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सरकार की मंशा पर शक है। हमारी सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं, मैं माइनॉरिटी मंत्रालय को भी मुबारकबाद देता हूं और तमाम सबको इसके लिए कि जिन्होंने एक बड़ी शुरुआत करी है। मोदी जी ने जो विश्वास की बात कही है तो वो विश्वास जब ही हो पाएगा जब ग्राउंड पर कुछ काम होते हुए नजर आएंगे। अब ये 1 करोड़ स्कॉलरशिप अगर हर साल देने की बात करें, 5 करोड़ 5 साल के अंदर, 1 करोड़ अगर हर साल देने की बात कही है, हम समझते हैं कि मुसलमानों की हालत को देखते हुए ये भी बहुत कम। मुसलमानों को वोट बैंक समझकर अब तक सियासत करते रहे सियासतदान फिलहाल पशुपेश में हैं। उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा कि उनकी राजनीति आगे कैसे चलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपनी सियासी दुकान बंद करनी पड़े, क्योंकि मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है इन लोगों के छल में छेद करना है।